बीबीए इन एसआरएम यूनिवर्सिटी, और हाउ इज बीबीए इन एसआरएम यूनिवर्सिटी मोदीनगर। लाइक पिछले कुछ टाइम से मुझे बहुत सारे डाउट्स आए थे बीबीए के रिगार्डिंग, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। तो आज की वीडियो इज ऑल अबाउट अ ऑनेस्ट स्टूडेंट रिव्यू ऑफ पीबीए इन एसआरएम यूनिवर्सिटी मोदीनगर। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है ये बीबीए स्टूडेंट्स के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हेलो भैया, सबसे पहले तो थैंक यू एंड सॉरी कि इतनी रात को कॉल करके मैंने बोला कि रिव्यू दो रिव्यू दो, तो उसके लिए क्योंकि बहुत जरूरी था ये। मुझे बहुत ज्यादा डीम आए थे बीबीए का, बता दो थोड़ा सा एसआरएम का, क्योंकि जनरली क्या है यूट्यूब पे इतना नहीं है कुछ एसआरएम से रिलेटेड, तो इसलिए। बाकी मैं यही चाहूंगा कि थोड़ा सा पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दो, क्योंकि मैं तो आपको जानता हूँ अच्छे से, जो लोग नहीं जानते उनके लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, अपना छोटा भाई है तो आधी रात को भी टाइम निकाल लेंगे तेरे लिए। सो हेलो हेलो गाइस, आई एम व्यापक कंसल और मैं बीबीए थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर चल रहा है मतलब अब, और स्वास्तिक का वैसे मैं सीनियर हूँ। और इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं बीबीए के बारे में, ये वीडियो पूरा एसआरएम में कि बीबीए कैसा है, फैकल्टी कैसी है, मतलब ऑनेस्ट रिव्यू बताने वाले हैं इस वीडियो में। एंड हाँ, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि भैया का भी एक यूट्यूब चैनल है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मैंने कर दिया, हमने एक दो वीडियोस पहले भी सब बना रखी है साथ में, तो वो सब देख लेना, जाके चेकआउट कर लेना, काफी अच्छे चैनल है। एंड बीबीए से रिलेटेड जो भी डाउट आते हैं ए टू जेड वो सॉल्व कर देंगे। इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, इनके यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से चेकआउट कर लेना। तो बाकी ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एंड भैया सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इसके आखिर प्लेसमेंट कैसी है बीबीए के लिए। प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ बीबीए की, तो सबसे पहले तो ये देखना बीबीए की प्लेसमेंट एडमिशन के टाइम पे तुमको 100% बोलेंगे, लेकिन एक्चुअल में 100% प्लेसमेंट नहीं है। तुम 40% स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट मान सकते हो, जो इस वक्त मैं अब जैसे फाइनल ईयर में हूँ, जो मेरे से ही अभी फाइनल ईयर गया है, मतलब जो अभी गए हैं उनमें से प्लेसमेंट अप्रॉक्स अगर ये मानो 50 स्टूडेंट्स बीबीए में है, तो 20 स्टूडेंट्स की जॉब लगी होगी। मतलब बहुतों की, और लगती भी बहुत से छोड़ देते हैं कि आगे हमको एमबीए करना है इसलिए। एंड कितनी प्रॉमिसिंग प्लेसमेंट होती है, लाइक कितना पैकेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बीबीए करने के बाद एसआरएम से। बीबीए से तुम एवरेज मान सकते हो 5 to 6 LPA। ओके, 5 to 6 LPA, दैट्स गुड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहूंगा, getcollegeadmission.com। स्क्रीन पे वैसे इसकी सारी डिटेल्स दिख रही होगी। एक अच्छी खासी कंसल्टेंट्स की टीम बनी हुई है जो आपको ए टू जेड गाइड कर देगी आपके कॉलेज एडमिशंस के लिए या डायरेक्ट एडमिशंस के लिए। तो सारी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे अवेलेबल है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हो। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। बाकी मेरे को एक चीज बताओ कि फैकल्टीज आपकी कैसी है। फैकल्टीज ऐसे अच्छी हैं, देखो फैकल्टीज बीबीए में टाइम टू टाइम एक तो चेंज होते रहते हैं, हर सेमेस्टर में जी तुमको नई फैकल्टी पढ़ाएंगे, और जो फैकल्टी हैं वो वैसे ऑलराउंडर है, वो हर सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, हर चीज़ पढ़ा सकते हैं, तो इस चीज़ का सबसे बढ़िया एक मेरे को चीज़ लगती है ये। और सबसे बढ़िया चीज़, एक और सबसे बढ़िया एडवांटेज क्या है यहाँ की बीबीए में एसआरएम की, यहाँ की क्लासेस तुम्हारे बीटेक से भी अच्छी है, क्लासेस मैंने तुमको ओके। दिखाई हुई थी। चलो भैया, अब प्लेसमेंट्स एंड फैकल्टीज की तो बात हो गई, अब मुझे बताओ कि अपॉर्चुनिटीज कैसी है लाइक इस तरह बीबीए के लिए। इफ वी टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटीज, तो तुमको मतलब जैसे बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, तो फिर एक तो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस होते हैं बिजनेस में जो आगे जाके काम आते हैं, तो एक तो वो चीज़ें होती हैं वो बहुत हेल्पफुल होती हैं। एक्सेल वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीबीए के बाद, तुमको बीबीए करते टाइम मतलब एक्सेल तुम्हें बेसिक और एडवांस आना चाहिए, वो भी ये वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं तो उसमें अच्छे से सिखा देते हैं बिल्कुल। और बाकी बाकी की भी वर्कशॉप्स रखते हैं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप हो गई तुम्हारी, और बहुत सारी वर्कशॉप्स रखते हैं जिससे स्किल तो टाइम टू टाइम इम्प्रूव होती रहती है। चलो ये और तो अच्छी बात इंटर्नशिप की है। भी बात करें, अगर इंटर्नशिप हाँ अभी रिसेंटली इन्होंने इंटर्नशिप कंडक्ट करी थी कॉलेज की तरफ से, जब मतलब मैं जैसे थर्ड ईयर में आया तो उस टाइम पर बहुत सारे इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करी है इन्होंने। एक क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया भी थी जो कि नरेंद्र मोदी ही होल्ड कर रहे थे। ओके। चलो भैया मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे एकेडमिक प्रेशर कैसा है लाइक बीबीए के लिए। देखो
भाई देखो हमारे बीबीए में 4 महीने में सेमेस्टर खत्म हो जाता है। ओके अब जैसे इस वक्त चल रहा है जुलाई, जुलाई में ही कॉलेज खुले हैं। अब अगस्त में होंगे CT 1, ठीक है तुम्हारे, और सितंबर में होंगे CT 2, अक्टूबर में होंगे मॉडल एग्जाम, और नवंबर एंड तक या फिर दिसंबर शुरुआत तक सेमेस्टर खत्म। तो हर महीने एग्जाम है, ये चीज को देखना है। सीटी होते हैं 50-50 मार्क्स के, मॉडल 100 मार्क्स का, और वो सेमेस्टर तो है फिर हंड्रेड क्लासिफिकेशन, मार्क्स तो का मतलब हेक्टिक है ज्यादा और शेड्यूल आपका। ये भाई बिल्कुल है। लेकिन अब तक हेक्टिक सबसे ज्यादा क्योंकि सेकेंड ईयर हार्ड लगा मेरे को। सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट्स भी हार्ड थे, और ओवरऑल भी अगर मतलब प्रेशर देखे तो सेकेंड ईयर में ही हार्ड था। अब थर्ड ईयर में आके बहुत ही रिलीफ मिला है। थर्ड ईयर में आके वैसे कॉलेज भी बहुत कम ही आते हैं लोग, तो इसलिए बस अभी अटेंडेंस पूरी करने के लिए आना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। बाकी एक फाइनल क्वेश्चन पूछूंगा, डू यू रिकमेंड SRM फॉर BA? लाइक रिकमेंड देखो इसके प्रोज एंड कॉन्स सब अपने हिसाब से बताओ। देखो एक तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे BBA और MBA में यूनिफॉर्म है, वो तुमको वो तो फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज अगर तुम इसी रेंज में रहते हो, मोदीनगर गाजियाबाद, मतलब कहने से मतलब ये है 30-40 किलोमीटर्स की रेंज में रहते हो, कि मतलब अगर तुम सुबह को कॉलेज जाओ शाम को घर पहुंच जाओ, तो मेरे हिसाब से मेरे बिल्कुल ठीक है। पर यार मेरे को वो चीज़ नहीं ठीक लगती जो दूर दूर से बिहार से हॉस्टल में आके रह रहे हैं यहाँ की बीबी के लिए, तो मेरी नज़र में ठीक नहीं लगती, तो मैं तब रिकमेंड नहीं करूँगा। क्योंकि यार देखो हॉस्टल लाइफ, हाँ सब कहेंगे कि हॉस्टल लाइफ का मज़ा अलग है, हॉस्टल लाइफ का मज़ा बहुत अच्छा है मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उसका भी मज़ा अलग है कि तुम रात को जाके अपनी फैमिली के साथ बैठ के ही बात करो, खाना खाओ, उसका भी मज़ा अलग है। तो BBA इस चीज़ में वर्थ इट नहीं है, कि यहाँ से इसमें वर्थ इट नहीं है, कि अगर तुम बहुत दूर से आ रहे हो और यहाँ पे हॉस्टल में रह के BBA कर रहे हो, तो मेरे को नहीं लगता अच्छी होगी। पर मेरे रिकमेंड मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ अगर तुम पास में ही हो तो बहुत अच्छी है, या फिर यहाँ की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है। ओके, तो ऑन द होल इट्स गुड फॉर मतलब एकेडमिक वाइज भी एंड प्लेसमेंट वाइज को अगर परस्पेक्टिव में रखो आप ध्यान में रखो तो उसके हिसाब से बताओ। लोकेशन की तो हमने ठीक है बात कर ली। देखो भाई प्लेसमेंट वाइज की अगर मैं बात करूँ तो ले सकते हैं, बाकी प्लेसमेंट का मैं अभी इतना क्योंकि कंफर्म इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मेरे ही प्लेसमेंट का टाइम आने वाला है अब कुछ ही टाइम में, कुछ ही महीनों में। मेरे को ही समझ बहुत ज़्यादा सकते, डर लग रहा है इस चीज़ का, तो चलो ठीक है इस कोई चीज़ को मैं अभी ज़्यादा कह नहीं सकता। लेकिन प्लेसमेंट का वैसे मैंने सुना एक प्लेसमेंट हो जाएगी, प्लेसमेंट हो जाएगी, तो इस चीज में वैसे तो ये 100% बोलते हैं, पर एक्चुअल में 100% नहीं है यार। बीबीए में नहीं है, एमबीए में मैं बोल सकता हूँ एमबीए में है 99%, बीबीए में 100% प्लेसमेंट नहीं है। नहीं। चलो यही था फिर आज के लिए, लाइक जो पूछना था मैंने पूछ लिया। बाकी किसी को भी अगर कोई भी डाउट आते हैं BBA से रिलेटेड DM कर देना, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है वहां से चेकआउट कर लो। एंड भैया थैंक यू कि इतना टाइम दिया आपने। बाकी कोई ओके, दिक्कत तो नहीं भाई, बाकी अगर अच्छी लगे तो मैं आज की वीडियो तो लाइक कर देना यार, शेयर सब्सक्राइब जो करना है जो मन करे कर दो। बाकी मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते बाय।